मिसेस जया दिल्ली में रोहिणी के एक स्कूल की टीचर थी जो कि साल 1999 से स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाती थी। और जब उन्होंने 1999 में अपना टीचिंग करियर शुरू किया था तो उनकी सैलरी थी 3,500 रुपए। पर इस कम सैलरी के बावजूद भी मिसेस जया को अपने काम में 100% देने की आदत थी। क्यों? क्योंकि टीचिंग उनका पैशन था और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड भी फील करती थी। वो एज अ टीचर अमेजिंग थी। उनको अपने 14 साल के टीचिंग करियर के अंदर 3 बार बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका था। और बल्कि मिसेस जया के करियर के साथ साथ उनके स्कूल ने भी काफी ज्यादा ग्रो किया। जहाँ पर ये स्कूल सिर्फ कुछ ही क्लासरूम से शुरू हुआ था, अब वहाँ पर क्लासरूम्स में एसी लग चुके थे, प्राइवेट बसेस आ चुकी थी और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल कोर्ट भी बन चुका था। और साल 2008 आते आते मिसेस जया की वही 3,500 रुपए की सैलरी बढ़कर अब 28,000 रुपए पर पहुँच जाती है। लेकिन साल 2013 में मिसेस जया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और ये कहती हैं कि स्कूल का मैनेजमेंट कोई मैनेजमेंट नहीं बल्कि ये लोग एक माफिया हैं। पर क्यों? आखिर जया ऐसा क्यों कह रही है? स्कूल के मैनेजमेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि आज जया को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? तो देखो, हुआ यूं कि मिसेस जया को उनकी 28,000 रुपए की सैलरी हर महीने बाय चेक मिलती थी, लेकिन स्कूल के मैनेजमेंट ने उनके ऊपर और बाकी टीचर्स के ऊपर ये प्रेशर बनाया कि वो लोग हर महीने इस सैलरी में से 6,000 रुपए स्कूल के फंड में डाले और वो भी इन फॉर्म ऑफ कैश। अब मिसेस जया और उनके बाकी टीचर्स ने सब ने चुपचाप मैनेजमेंट की इस बात को मान लिया क्योंकि उनके ऊपर ही उनकी रोजी रोटी डिपेंड करती थी। लेकिन साल 2013 में मिसेस जया के साथ मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस साल मिसेस जया की हेल्थ थोड़ी खराब होती है जिस वजह से उनको अर्जेंटली एक सर्जरी करवानी पड़ती है और उसका खर्चा आता है 1.5 लाख रुपए। जरा सोच के देखो, एक साधारण सी मिडिल क्लास टीचर के लिए आखिर इतनी जल्दी इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना कितना मुश्किल होगा। जिसके बाद मिसेस जया स्कूल के मैनेजमेंट से कुछ मदद मांगती है। वो कहती है कि जो 6,000 रुपए आप हर महीने फंड के नाम पर मेरे से लेते थे, मेरे को उसमें से कुछ पैसा यूज करना है। पर दुख की बात तो ये है कि स्कूल के मैनेजमेंट ने ना तो उनको पैसे दिए और ना ही ऑपरेशन के लिए सिक लीव। और मजबूरन इस रकम को जुटाने के लिए जया को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़ते हैं और उसके बाद जाकर उनका इलाज होता है। पर जो हैरान कर देने वाली है वो ये है कि जब जया आईसीयू के अंदर थी तो उनकी फैमिली को स्कूल फोन करके ये बोलता है कि आपने 6,000 रुपए फंड के अंदर इस महीने डिपॉजिट नहीं करे और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। और इससे भी बड़ी बात, जब जया अपनी सर्जरी के बाद स्कूल में वापस आती है तो उनको ये बताया जाता है कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। यहां तक कि ये स्कूल उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तक वापस नहीं करता जिसकी वजह से उन्हें आगे भी जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है। अब जरा सोच के देखो, मिसेस जया जो कि स्कूल की सबसे पहली टीचरों में से एक है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। पर यहां पर हैरान कर देने वाली बात ये कि ये एक्सपीरियंस सिर्फ मिसेस जया के साथ नहीं बल्कि दिल्ली के रोहिणी के इलाके के अंदर 45 ऐसे और स्कूल्स हैं जहां पर स्कूल्स अपने टीचर्स को इंडियन पे कमीशन के हिसाब से पे नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इन टीचर्स को सरकार द्वारा रिकमेंडेड जो सैलरीज हैं इनको उतनी सैलरी भी नहीं मिल रही। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि भारत में ये सिर्फ कुछ गिने चुने नहीं बल्कि ज्यादातर टीचर्स की रियलिटी है। वो टीचर्स जिनको हम बचपन में अपना गुरु मानते थे, जिनको हम अपना आइडल मानते थे, जिनसे हम ये उम्मीद करते थे कि ये लोग हमारे देश के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, और ये चीज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारे देश में सच में टीचर्स को वो इज्जत मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं? क्या हमारी सोसाइटी टीचर इस नाम के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करती भी है या नहीं? आज बच्चे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एस्ट्रोनॉट, ये सब में से कुछ भी बनना चाहते हैं, पर शायद ही आप किसी बच्चे के मुंह से सुनोगे कि वो बड़े होकर एक टीचर बनना चाहता है। आफ्टर ऑल हमें तो ये बताया जाता है कि टीचर्स की हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा इज्जत होती है। तो फिर आज आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आज हमारे उन्हीं टीचर्स को बच्चे और यहाँ तक कि पूरा समाज बहुत ही छोटी नजर से देख रहे हैं? एज अ स्टूडेंट हम में से ज्यादातर लोग स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने जाते थे क्योंकि देखो सच बात तो ये है कि स्कूल के अंदर हम लोग पढ़ाई करने के लिए कम और दोस्तों से मिलने ज्यादा जाते थे। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक्चुअली में बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को सीरियसली पढ़ाया जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस चीज की वजह से ज्यादातर पेरेंट्स को स्कूल की ज्यादा फीस के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस का भी बर्डन उठाना पड़ता था। लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पर एक सेकंड, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हमारे स्कूल के टीचर्स ये काम अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे? वो बच्चों को सही से क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? इनफैक्ट कई सारी टीचर्स को तो देखकर आपको ऐसा भी लगेगा कि इनको पढ़ाना पसंद ही नहीं है। और इन सारे सवालों के जवाब उन टीचर्स की कहानी के अंदर ही छुपे हुए हैं। लाइक रीना मिश्रा जो कि यूपी की रहने वाली एक स्कूल टीचर है जिनको 11 साल का एक्सपीरियंस है, उनका ये मानना है कि उनकी जो इनकम है वो घर चलाने के लिए काफी नहीं पड़ती है। हाँ उन्हें पढ़ाना तो बहुत पसंद है बिकॉज इससे देश का कुछ ना कुछ विकास हो रहा है, पर अगर वो किसी और प्रोफेशन में होती तो वो हर महीने 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर लेती। इसी तरीके से सीमा पटेल जो कि 27 साल की एक टीचर है, उनका भी ये कहना है कि अगर वो किसी और प्रोफेशन में होती तो उनकी कमाई डबल होती। पुणे की रहने वाली किरण फिरवानी भी अपनी टीचिंग जॉब से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर उनका भी ये कहना है कि अगर टीचिंग के अंदर एक डिसेंट पैकेज होता तो
तो ये चीज एक बहुत जबरदस्त करियर ऑप्शन बन सकती थी, क्योंकि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया के टीचर्स की एनुअल सैलरी बहुत ही ज्यादा कम होती है। अमेरिका में एक टीचर की एनुअल सैलरी होती है करीब $37,000। वहीं लक्जमबर्ग, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अगर आप इन सारी कंट्रीज में भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि टीचर्स की एनुअल सैलरी $50,000 से $80,000 तक वेरी करती है, जो कि एक्चुअली में बन जाती है 40 से 60 लाख रुपए। इनफैक्ट हंगरी में तो टीचर्स की एवरेज सैलरी मंथली $10,600 तक है, यानी करीब 8 लाख रुपए, और तब भी हंगरी के टीचर्स को अंडरपेड माना जाता है। पर भारत का क्या, आखिर हमारे देश के अंदर टीचर्स की एवरेज इनकम इतनी ज्यादा कम क्यों है? इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी 20,000 रुपए से 60,000 रुपए तक वेरी करती है, और अगर सीनियर सेकेंडरी डिवीजन देखोगे तो वहाँ पर ये जाती है 65,000 to 70,000 तक। यानी आइडली इंडिया के अंदर एक टीचर सालाना 5 लाख रुपए तक की इनकम करता है। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जहाँ पर हर जगह पर प्राइवेट जॉब्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसे होते हैं, वहीं पर टीचिंग के अंदर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स से भी कम होती है। प्राइवेट स्कूल सेक्टर, जो कि इस देश के 40% टीचर्स को एम्प्लॉय करता है, उनकी टीचर्स की सैलरी 48% तक कम है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स से। और टीचर्स की इसी कंडीशन को देखते हुए सितंबर 2015 में सरकार ने 7th पे कमीशन लॉन्च किया, जिसके बाद प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के टीचर्स की 16% सैलरी बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा सच में हुआ? क्योंकि एक नेशनल न्यूज़पेपर की एक इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो टीचर्स की इनकम है वो उनकी ऑफिशियल सैलरी से बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ तक कि कुछ जगह तो ऐसी भी है जहाँ पर टीचर्स 2,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं। पर क्यों, आखिर टीचर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और इस चीज का जवाब है करप्शन। हमारे देश में करप्शन बहुत ही आम बात है, और हमारे देश के ज्यादातर स्कूल्स करप्ट लोग ही चला रहे हैं। सुजाता, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उनकी सैलरी इतनी ज्यादा कम थी कि उनको फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ता था, और उनके स्कूल का मैनेजमेंट उनके ऊपर काम का इतना प्रेशर बनाकर रखता है कि उनका पूरा दिन स्कूल में ही निकल जाता है। अब यहाँ पर बात यह कि सुजाता को अपने 2 बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, लेकिन स्कूल के इस प्रेशर की वजह से वो वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से एक और टीचर भी है जिनका ये कहना है कि टीचर्स एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और एक टीचिंग की जॉब कॉर्पोरेट जॉब में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब होती है। पर सवाल ये है, आखिर टीचिंग जॉब में इतना प्रेशर होता क्यों है? पहला कारण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। स्कूल का मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो टीचर्स से ज्यादा काम करा ले, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो UDISA की एक डेटा के हिसाब से इंडिया के अंदर 26.4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इतनी बड़ी स्टूडेंट पॉपुलेशन को केटर करने के लिए हमारे देश में सिर्फ 96.8 लाख ही टीचर्स हैं, जिस चीज की वजह से हमारे देश का टीचर टू स्टूडेंट रेशियो 1:24 पर पहुंच चुका है, जो कि इस वक्त चाइना से भी ज्यादा है। आप एक पल को सोच के देखो, एक टीचर जिसकी क्लास के अंदर 40 से 60 बच्चे रख दिए गए हो, आखिर वो अकेले इस पूरी क्लास को कैसे मैनेज करेगी? पर सिर्फ इतना ही नहीं है, बात ये है कि जो बच्चे हैं वो बाय डिफॉल्ट मिसबिहेव तो करते ही हैं, तो ऐसे में इतने सारे बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर टीचरों को मैं भी बहुत तंग करता था यार, और ऐसे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं पर एक टाइम ऐसा था जब इन टीचर्स के पास स्टूडेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की एक्चुअली में परमिशन थी, पर आज की डेट में अगर एक टीचर किसी बच्चे को हाथ भी लगा दे तो उसके माँ बाप बवाल खड़ा कर देते हैं। अब ये सही है या गलत मुझे नहीं पता। इनफैक्ट आज की डेट में तो काफी सारे क्लासेस के अंदर CCTV कैमरास तक इंस्टॉल्ड है, ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों पर नजर रखी जा सके। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो अपनी सारी टीचर्स से एक्स्ट्रा काम करवाता है, वो काम जो कि एक्चुअली में उन टीचर्स का है भी नहीं, और उस चीज के लिए उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए जाते। इसीलिए आज की डेट में ज्यादातर टीचर्स अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं। इनफैक्ट साल 2019 में हुई गई एक रिपोर्ट के अनुसार जो 74% टीचर्स है वो अपनी वर्क लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है, और 86% टीचर्स तो ऐसे हैं जो कि बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं। और साल 2020 के अंदर लॉकडाउन के दौरान ये चीज और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इस दौरान टीचर्स की सैलरी भी कम कर दी गई और उनके ऊपर काम का प्रेशर भी बढ़ा दिया गया। अद्वैत नाम के एक कॉलेज प्रोफेसर को उनके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने ये बोला कि आपको इस महीने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाने हैं, एक ऐसा काम जो कि एक्चुअली में उनका रोल है ही नहीं। संजय नाम के एक और स्कूल टीचर के लिए तो ये कंपलसरी कर दिया था कि उनको एक दिन के अंदर 4 से 5 ट्रेनिंग सेशन लेने ही लेने हैं, और ऐसा ना करने पर उनकी सैलरी में से पैसे काट दिए जाएंगे। वहीं पर राम, जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर है, उनसे मैनेजमेंट ने ये डिमांड करी कि वो पेरेंट्स को फीस बढ़ाने के लिए प्रेशराइज करे, जबकि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी पेरेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो फीस देंगे। पर जहां पर गवर्नमेंट के इस डिसीजन से काफी सारे पेरेंट्स को राहत मिली, वहीं पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा लो इनकम स्कूल्स के ऊपर, क्योंकि जहां पर पेरेंट्स ना
तो फीस दे पा रहे थे और अब ये स्कूल्स अपने टीचर्स को भी सैलरी नहीं दे पा रहे थे। वहीं पर कुछ प्रीमियम और इंटरनेशनल स्कूल्स पेरेंट्स से तो फुल फी ले रहे थे पर अपने टीचर्स को कम सैलरी दे रहे थे, और इसी दौरान काफी सारे टीचर्स को नौकरी से भी निकाला जा रहा था। कोविड के दौरान महाराष्ट्र के अंदर 60,000 और कर्नाटका के अंदर 40,000 टीचर्स ने अपनी जॉब गवा दी। पर इस जॉब का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा फीमेल टीचर्स के ऊपर। पर ऐसा क्यों? तो देखो, ज्यादातर स्कूल्स के अंदर जो सीनियर पोजीशंस होती है वो मेल टीचर्स को ही दी जाती है ताकि उनको जॉब सिक्योरिटी मिल पाए, बट जो फीमेल टीचर्स है उनकी जॉब सिक्योरिटी कंपैरेटिवली कम होती है। मोर ओवर लॉकडाउन के दौरान ये जो फीमेल टीचर्स थी उनको अपनी फैमिली को भी संभालना था, अपने हस्बैंड को भी संभालना था और साथ ही साथ अपने काम का प्रेशर भी संभालना था। एंड दैट इज द रीजन कि काफी टीचर्स के पास अपनी जॉब छोड़ने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट उनके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड भी डाल रहा था और ये समझ भी नहीं रहा था कि अब उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है। और जिन टीचर्स के पास अपनी जॉब थी वो लोग मैनेजमेंट के प्रेशर में आकर ओवरवर्क भी कर रहे थे और अपनी सैलरी भी बराबर नहीं ले पा रहे थे क्योंकि सैलरी कम कर दी गई थी। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि इस पूरे दौरान टीचर से ये कहा जा रहा था कि आप ऑनलाइन क्लासेस लो, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जो टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करना है उसके लिए ज्यादातर टीचर्स को ट्रेनिंग दी ही नहीं गई थी। उनको कहा था कि आप अपने आप फिगर आउट कर लो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इन टीचर्स के लिए बच्चों को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि अब माइक तो ऑफ है और कैमरा भी बंद है। और क्योंकि ये टीचर्स इन बच्चों को कुछ ज्यादा नहीं कह पा रहे थे इसलिए इन बच्चों ने टीचर्स को और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर दिया। लेकिन ये जो बच्चे टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं आखिर इसकी वजह क्या है? सो द आंसर टू दिस इज बच्चों का परसेप्शन। अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो स्टूडेंट्स का अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट ना करने का सबसे बड़ा कारण है कि स्टूडेंट्स की नजर में टीचर्स इनकॉम्पिटेंट है। तो जब उनके दिमाग में ये परसेप्शन है कि हमारे टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है तो फिर वो आखिर उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग एज स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते थे कि हमारे टीचर्स काबिल ही नहीं है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर हम इनकी बात क्यों सुने, इनकी बातें तो एकदम वेस्ट है। बट ज्यादातर केसेस में इसकी वजह होते हैं प्राइवेट ट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशंस के अंदर बच्चों को पर्सनल अटेंशन मिलती है और जब ऐसा होता है तो एक्चुअली में उस बच्चे को उस टीचर की कॉम्पिटेंस का पता लग पाता है। पर जब 60 बच्चों को ये टीचर पढ़ा रहा होता है तो वहां पर एक बच्चे को कैसे पता लगेगा कि आखिर ये टीचर कितना अच्छा है? वहीं पर अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर देखेंगे तो वो जो टीचर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पर्सनल अटेंशन देते ही देते हैं। दैट इज द रीजन के टॉप के जो बच्चे होते हैं वो उन कोचिंग सेंटर्स में जाने के बाद बहुत ज्यादा उन कोचिंग सेंटर्स की रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि अपने स्कूल की टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। पर सवाल ये कि क्या सच में हमारा ऐसा सोचना सही है? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन सच ये भी है कि कई बार ऐसा होता है खास करके लो इनकम एरियाज के अंदर कि जो टीचर्स है उनके पास ज्यादा ट्रेनिंग होती ही नहीं है, उनको ज्यादा ट्रेन कराई नहीं जाता और इस लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से वो टीचर कॉम्पिटेंट सच में नहीं होता। एंड अल्टीमेटली इस चीज का पूरा असर स्टूडेंट की एजुकेशन पर ही पड़ता है। दिस इज वाई 21 अगस्त 2019 के दिन गवर्नमेंट ने निष्ठा एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है। साथ ही साथ इसके अंदर टीचर्स को ये भी सिखाया जाता है कि आखिर पढ़ाते कैसे हैं। पर उम्मीद तो ये है कि अगर टीचर्स की ट्रेनिंग पर सही से फोकस करा जाए तो हमारे देश के अंदर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो और ज्यादा बेटर हो सकता है, जिसके चलते टीचर्स भी ज्यादा होंगे और स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। एंड इनफैक्ट इस चीज से टीचर्स के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस भी क्रिएट हो पाएगा क्योंकि उनको ओवरबर्डन नहीं करा जाएगा। एंड यस, दिस इज ट्रू कि एक अच्छा टीचर हमेशा एक नॉन ट्रेन टीचर से ज्यादा अच्छा ही कमाता है। पर आप समझने की कोशिश करो कि ये चीज कितना ज्यादा बड़ा इशू है। एक टीचर अगर ट्रेंड ही नहीं होगा तो वो बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए ना सिर्फ टीचर की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है बल्कि साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो टीचर पैसा भी कमाए ताकि उस टीचर का मन लगे कि वो बच्चों को सही से पढ़ा पाए। और इस बारे में आप क्या सोचते हो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो।